हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो टर्म टू की धमाकेदार तैयारी करने के लिए भाई डाउटनेट आपके साथ खड़ा हुआ है। बस आपको करना है डाउटनेट के साथ दिन रात मेहनत और आप करेंगे टर्म टू में धमाकेदार वापसी। जी हाँ, टर्म वन में अगर कुछ भी कमी रह गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म टू आपका होगा और आप उसमें जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको प्रॉपर तरीके से डेली क्लासेस को देखना। तो डाउटनेट ने स्टार्ट किया आपके लिए क्लासेस बच्चों। तो ये है आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर टू। अगर आपने लेक्चर नंबर वन नहीं देखा है बच्चों तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर वन जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर लेक्चर नंबर वन नहीं देखोगे तो फिर लेक्चर नंबर टू भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हालांकि आप परेशान मत हो, मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझाऊंगा, लेकिन दोनों ही लेक्चर देख लें बच्चों। और क्योंकि इसके बाद का जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे आपका नॉलेज टेस्ट, तो बढ़िया से आपका बढ़िया से पूरे कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। क्या कहते हो भाई? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सारे बच्चे रेडी हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है बच्चों। मैं गारंटी लेता हूं कि ये लेक्चर आपने पूरा देख लिया तो इस चैप्टर के आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं बन पाए। तो पूरे लेक्चर को अंत तक देखना, ध्यान से देखना और कोई बातचीत मत करना, ठीक है बच्चों? और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं बात करूं चैप्टर प्रोग्रेस पर, तो यहां पर इंट्रोडक्शन में हमने व्हाट इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लेक्चर नंबर वन में मैंने ये बताया है आपको। उसके बाद nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी के nth टर्म क्या होगा, उस पर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेक्चर नंबर वन पे हुआ, नहीं देखा तो देखना जरूर। और सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, इसके बारे में हम आज के इस लेक्चर में बताने वाला हूं और गारंटी ले रहा हूं कि इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि इससे बेहतर आपको अब तक किसी ने नहीं समझाया होगा, गारंटी है बच्चों। तो पूरे लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखते चलिएगा। आ जाइए बच्चों, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में क्या सीखने वाले हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम आज हम निकालना सीखेंगे और धमाकेदार तरीके से। लेकिन एक क्वेश्चन आपको याद है प्रीवियस क्लास में, अगर आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर, तो वहां पर एक क्वेश्चन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने छोड़ दिया था कि ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी किया होगा, वो क्वेश्चन भी आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो डेली डाउटनेट पर क्लासेस देखना तो आपको सबसे पहले तो काम करना है कि डाउटनेट के सीबीएसई 19 वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और इस वीडियो को लाइक तो कर दो भाई। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हम मैं पढ़ाने आ चुका हूं, आप सब पढ़ रहे हैं, तो क्लास को लाइक तो जरूर करिए। चलिए बच्चों, तो डेली टाइम टेबल भी शेयर कर देता हूं बच्चों। अगर मैं बात करूं तो जो आपकी क्लास 10th की क्लासेस है, मंडे को बच्चों 6 PM पर आपकी मैथ्स की क्लास होगी और 8 PM पर आपके, अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इंग्लिश की क्लास होगी। ट्यूसडे को भी मैथ्स की क्लास होगी बच्चों, अगेन आपको ट्यूसडे को इंग्लिश में आपकी जो मैम है वो लाइव आएंगी, ठीक है बच्चों? यानी कि इंग्लिश की क्लास में आपका लाइव होगा, उसमें टेस्ट हो सकता है, उसमें बढ़िया मेंटिंग क्वेश्चन हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगेन बच्चों वेडनेसडे को ये सारी चीजें, तो ये टाइम टेबल है, बढ़िया से आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को कभी भी किसी भी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए पता चल जाएंगे। यहां पर शुरुआत की जो दो रो दिख रही है ना बच्चों, ये 9th क्लास के लिए आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चों? उसके बाद ये 10th क्लास के लिए, ये पूरा का पूरा आपके पास टाइम टेबल है, ठीक है बच्चों? 9th क्लास का टाइम टेबल आपका 10 AM पर, डेली 10 AM पर 9th की क्लास होती है और 1 PM से स्टार्ट होती है आपकी मैथ्स की क्लास, सॉरी 10th की क्लास, जिसमें पहले आपका 1 PM पर कंप्यूटर है और हिंदी है, ये आपके पास होने वाला है। देन 6 PM पर मैथ्स है और उसके बाद आपका SST भी यहां पर करवाएंगे और इंग्लिश के साथ साथ आपका साइंस। तो बहुत ही बढ़िया है बच्चों, मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन जो था वो ये था कि विच टर्म ऑफ द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म है पहला निगेटिव टर्म होगा। अगर आप ऑब्जर्व करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को तो फर्स्ट टर्म इसका 53 है, सेकेंड टर्म 48, फिर 43, तो एपी तो डिक्रीज करती जा रही है। तो आप देख पा रहे हो ना, पक्का से देख पा रहे हो कि एपी तो आपकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जा रही है। तो डिक्रीज करते करते एक ऐसा टाइम भी तो आएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टर्म होगा वो जीरो से छोटा हो जाएगा, जो टर्म होगा वो जीरो से छोटा हो जाएगा। तो अगर वो जीरो से छोटा हुआ तो वही हमें निकालना है कि कौन सा टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्लियर हुआ है, समझ में आ गया? बढ़िया, चलो आ जाओ।
तो ये हमारे पास बच्चों एपी है। अगर मैं यहां पर देखूं तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहले पेन सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों, तो इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 53 दे रखी है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में तो कॉमन डिफरेंस को अगर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 48 में से 53 को आप माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है बच्चों, यहां से कॉमन डिफरेंस आपको माइनस में 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, माइनस में 5 मिल रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आगे पर बात करते हैं, जैसे कि बच्चों आपको मालूम है कि सपोज करते हैं कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म को हम tn से डिनोट करते हैं, आपको मालूम है कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके nth टर्म को हम tn से डिनोट करते हैं। tn होता क्या है, tn होता है आपके पास a प्लस में n माइनस 1 इनटू में d के बराबर, यही होता है बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं nth टर्म फाइंड करूं, a की वैल्यू हमारे पास 53 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा माइनस में 5, इसको सॉल्व कर देते हैं, 53 में से 5 को आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा बेटा, आप देख सकते हो 53 में से, एक सेकेंड, माइनस का 5 इंटू में माइनस 1 प्लस का 1 बनेगा, तो ये बनेगा 53 प्लस में 5 तो बनेगा 58 और माइनस में 5n, ये बच्चों बना हमारा nth टर्म, ये क्या बना, ये बना बच्चों हमारा nth टर्म, क्या बना बच्चों, ये बना हमारा nth टर्म, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कौन सा टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो इसका मतलब है कि सपोज कर लेते द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज द nth टर्म, सपोज कर लो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज द nth टर्म, तो अगर मैं इस टर्म को बोलूं कि सपोज करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो फर्स्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं, जल्दी से बताओ, नेगेटिव नंबर वो जो जीरो से छोटे होते हैं, जो जीरो से क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 58 माइनस में जो 5n होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 58 माइनस में 5n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से छोटी होनी चाहिए। माइनस के 5n को अगर मैं पक्षांतर कर दूं यानी कि राइट साइड पर भेज देता हूं तो बन जाता है 58 आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 5n, पूरे में अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, आ जाओ बच्चों, पूरे में मैंने क्या कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर 5 से 5 कैंसिल आउट, आप देख पा रहे हो 58 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा बच्चों, यहां पर आएगा 11, उसके बाद आपके पास आएगा कितना 55 और यहां पर 3 बचा तो 11 पॉइंट में आपके पास 6, तो n की वैल्यू जो होगी बच्चों वो क्या होगी, n की वैल्यू आपके पास 11.6 से बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 11.6 से बड़ी होनी चाहिए। अब बताओ n क्या होता है, आपको मालूम है कि n होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म, फाइव टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, मतलब कि n आपके पास हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो मुझे बताइए बच्चों 11.6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, 11.6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, डेफिनेटली आप बोलोगे कि सर n हमारा 12 होगा, यानी कि बच्चों 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या आंसर आया बच्चों, द 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये हमारा आंसर हुआ। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 12th टर्म है वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। अब ये टर्म कौन सा होगा ये भी निकालना है, तो निकाल लेते हैं बच्चों, T12 अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा, T12 इक्वल टू आपके पास a प्लस में 11d, a की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा 53 है और माइनस में आपके पास d की वैल्यू 5, तो 53 माइनस का 55 तो आंसर आएगा माइनस का 2 एंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज माइनस 2 बच्चों, क्या आया, क्या निकल के आया बच्चों, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज माइनस 2। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आपका आंसर क्या होगा, 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो हम बोल सकते हैं माइनस 2 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन, तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दो, तुरंत लाइक बटन पर प्रेस कर दो भाई, काफी सारे बच्चे लाइक किए बिना क्लास को चले जाते हैं, लाइक बटन पर प्रेस कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, माइनस में 2 निकल करके आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि हां जी सर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, अगला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो धुएं की तरह एकदम हवा में उड़ा देंगे, कैसे उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों आगे पर बात करते हैं,
ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं, आपके पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं। अब आप सोचोगे कि सर मैथ्स की क्लास में कभी तो फॉर्मूला बताते हैं, कभी कुछ, आज इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाले। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं, ठीक है, और एक ऐसी स्टोरी जो शायद आपको इंस्पायर करेगी कुछ खोजने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पर, जो हम सभी का जो जन्म हुआ है वो कुछ ऐसा करने के लिए हुआ है जो कि शायद करना जरूरी है सोसाइटी के लिए, या कुछ इन्वेंट करने के लिए। तो ऐसे ही एक ग्रेट 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 मैथमेटिशियन के बारे में बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ, वो ग्रेट मैथमेटिशियन है आपके एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ठीक है बच्चों, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ठीक है बच्चों, ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स में की मैथमेटिक्स के फील्ड के महानतम, महानतम मतलब कि लीजेंड के लीजेंड बोल सकते हैं इनको, बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन में से इनका नाम जोड़ा जाता है। महानतम गणितज्ञ, महानतम ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन इनको बोला जाता है बच्चों। क्यों बोला जाता है, अब इनके पीछे की एक छोटी सी, मतलब कि ये छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहा हूं इनकी लाइफ का, इनकी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इनकी लाइफ कितनी, मतलब इनका फ्यूचर कितना ब्राइट रहा होगा, क्या क्या इन्होंने किया होगा। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा किस्सा सुना रहा हूं जो कि आपकी इस क्लास से एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी से पूरी तरीके से कनेक्टेड है बेटा। चलिए समझते हैं क्या है हमारे पास। तो बच्चों एक स्टोरी यह है कि जब ये प्राइमरी स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल का मतलब समझते हो ना, प्राइमरी स्कूल मतलब कि जब ये सिक्स सेवेंथ क्लास में थे, कौन सी क्लास में बेटा, सिक्स सेवन क्लास में, या बोल सकते हो और भी छोटी क्लास, प्राइमरी क्लासेस मतलब कि वन से लेकर के फिफ्थ तक की जो क्लास होती है वो प्राइमरी क्लास होती है। जब ये प्राइमरी क्लास में थे, यानी कि एक वन से लेकर के फिफ्थ तक की कोई क्लास में रहे होंगे, तब एक बार इनके टीचर्स ने सोचा, पूरी क्लास को एक होमवर्क दे दिया। होता है ना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब टीचर्स को पढ़ाने का मन नहीं होता ना, तो बच्चों को ऐसा होमवर्क दे देते हैं कि बच्चे उसमें जूझ जाते हैं, फिर जूझे रह जाते हैं, टीचर आराम से बैठ करके सुस्ता लेते हैं, आराम से बढ़िया काम से बन जाता है। लेकिन वही एक बार इनके स्कूल के टीचर ने क्या किया, सोचा, ट्राई किया कि काम करते हैं, बच्चों को एक ऐसा काम दे दो कि ये लोग उसमें जूझे रहे और हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। और उन्होंने क्या टास्क दिया, उन्होंने अपनी क्लास के सभी बच्चों को बोला कि भाई आपको करना क्या है, आपको करना है कि एक से लेकर के, यानी कि वन से लेकर के हंड्रेड तक के जितने भी नेचुरल नंबर हैं इन सभी का सम फाइंड करके बताओ। बच्चे तो बच्चे, वो तो जुड़ जाएंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस, सबको ऐड करने में जूझ गए, सारे बच्चे जूझे हुए थे, है ना। उसी क्लास का एक छोटा, उसी क्लास में एक बच्चा था जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस, उन्होंने कुछ सेकंड्स बाद उसका आंसर बता दिया। क्या बता दिया, कुछ सेकंड बाद ही उसका आंसर बता दिया। और जैसे उन्होंने आंसर बताया, ऑब्वियस ही बात है कि आप तुक्का नहीं लगा सकते, आप गेस नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में एक से लेकर के सौ तक के नंबर्स का सम कुछ सेकंड में निकाल करके बता दिया। और ये देख करके उनके टीचर एक्चुअल में शॉक में आ गए, क्योंकि उन्होंने ये प्रेडिक्ट भी नहीं किया था कि इस चीज को इस तरीके से किया जा सकता है, और जो एक प्राइमरी क्लास के बच्चे ने कर दिखाया था वो क्या था बच्चों, आपको समझाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन आपको भी सुनकर के इंटरेस्ट आएगा। हुआ क्या था कि उनको बोला कि आपको एक से लेकर के सौ तक के नंबर्स का सम निकालना है। क्या करना है बेटा, एक से लेकर के सौ तक के नंबर्स का सम फाइंड करना है। मतलब कि आपको करना क्या है, आपको वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव और डॉट डॉट डॉट, मान लो यहां पर आपके पास 86, 87, 88 है ना, आप इसको थोड़ा सा और छोटा करके लिख सकते हो ताकि मैं पूरे के पूरे नंबर लिख पाऊं कुछ कुछ, ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है बच्चों, 100 तक के नंबर के सम की बात कर रहा हूं बच्चों, मतलब कि जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, मान सकते हो आप यहां पर 87 प्लस में 88 प्लस में 89 और सॉरी यहां पर 97 लिखना था ना, मैंने भी क्या लिख दिया, रुक जाओ कोई बात नहीं, 98 99 एंड 100। ठीक है बच्चों, उनको ये पूरे नंबर्स का सम निकालना था। क्या निकालना था, पूरे नंबर्स का सम निकालना था। ठीक है, अब सोचिए बच्चे क्या करेंगे, एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा क्या करेगा, बेचारे को जोड़ घटाओ भाग के अलावा क्या ही आएगा, तो क्या ही करता उसने, बाकी सारे बच्चे तो उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया कि वन को टू में जोड़ा तो थ्री आएगा, थ्री को थ्री में जोड़ा तो सिक्स आएगा, सिक्स को फोर में जोड़ा तो टेन आएगा, टेन को फाइव में जोड़ा तो, समझ गए ना,
किस तरीके से चलता, कितना लंबा टाइम लगता, करते 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 पूरी क्लास का टाइम निकल जाता। टीचर ये चाह रहे तो चाह रहे थे कि बच्चे जूझ जाए, लेकिन गॉस ने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा मुझे इन नंबर्स का सम निकालना है। उसने इन नंबर्स को अपोजिट ऑर्डर में जस्ट इसके नीचे लिख दिया ऐसे, 100 प्लस में 99, ठीक है, प्लस में आपके पास 98 और प्लस में डॉट डॉट डॉट, यहां पर आप देख सकते हो कि 3 प्लस 2 प्लस 1। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इन्हीं नंबर को रिवर्स ऑर्डर में वापस से ऐड कर दिया और उन्होंने ये देखा कि भाई 100 में 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना मिलता है, 101 मिलता है। 2 में अगर मैं 99 को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, 101 मिलता है। 3 में अगर 98 को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, 101 मिलता है। इसी तरीके से बच्चों 98 में 3 को ऐड किया तो 101 मिला, ये भी 101 और ये भी 101। अब बताइए टोटल ये कितने टर्म्स है, टोटल अगर आप देखो तो 100 टर्म्स को 100 टर्म्स से आपने जोड़ दिया है तो सम करने पर ये टोटल कितने मिले, कितनी बार 101 मिलेगा, टोटल अगर आप देखें तो 100 टाइम्स, कितने बच्चों 100 टाइम्स, यानी कि आपको 100 टाइम्स मिल गया 100। और अगर आप देखो बच्चों तो हुआ क्या, अगर आप सपोज करो कि इस सम को मैं ऐसे लिख रहा हूं और इसको भी ऐसे लिख रहा हूं, सम तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे 1 से लेकर के 100 को जोड़ो या 100 से लेकर के 1 तक जोड़ो, सम तो सेम रहेगा। तो जब दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास कितना, ये आपके पास 2s बन गया। s प्लस में s करोगे तो बेटा क्या बनेगा, s प्लस में s करोगे तो बनेगा आपके पास 2s। अब सोचिए 100 टाइम्स 101, तो 100 टाइम्स 101 इक्वल टू 2s, तो s इक्वल टू कितना आएगा, 100 इंटू में 101 अपॉन में 2, तो ये बन गया 50। और इन्होंने आंसर बता दिया था 50 50, इन्होंने बता दिया था कि भाई आंसर क्या होगा, इन्होंने बोल दिया था कि आंसर सर जी 50 50 होगा। और ये आंसर करने में इन्होंने कुछ सेकेंड्स लिए थे, कुछ सेकेंड्स लिए थे। सोचिए कि कैलकुलेशन भी कितनी तेज थी कि उन्होंने केवल और केवल सारी की सारी प्रोसेस एक दिमाग में लगाई और दिमाग में लगा करके उन्होंने आंसर बता दिया कि आंसर होगा 50 50। अब आप सोच सकते हो कि एक बच्चा प्राइमरी स्कूल का बच्चा अगर इतने इंटरेस्टिंग मैनर में किसी चीज के बारे में सोच पा रहा है तो उसने फ्यूचर में क्या क्या नहीं किया होगा। डेफिनेटली मैथमेटिक्स की फील्ड में इनको बोल सकते हैं द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। बिल्कुल जी हाँ बच्चों, ये ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में से गिने जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली एक छोटा सा स्टेप था, ये चीज जब निकल करके आई तो बच्चों यहीं से निकल करके आता है आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आपके पास गिवन है तो उसके एन टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे, यहीं से निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो कोई एपी आपके पास कुछ इस तरीके से, सपोज करो एन टर्म्स का सम ऐसे, एस इक्वल टू ए प्लस में आपके पास ए प्लस में डी, ठीक है बच्चों, और प्लस में आपके पास ए प्लस में आपके पास 2d, क्लियर है, और डॉट 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 हमने यहां पर रख दिया ए प्लस में एन माइनस 3 इंटू डी, फिर ए प्लस में एन माइनस 2 इंटू में आपके पास डी एंड ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास टर्म्स आ गए, क्लियर है, ये हमारे पास एन टर्म्स का सम लिख दिया, ऐसे लिख लो एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और ये थर्ड लास्ट सेकेंड लास्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है बच्चों, ये टर्म्स है। हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब अगर आप सोचिए कि यही चीज जो अभी आपने यहां पर देखा, सेम चीज बच्चों अगर मैं इधर अप्लाई कर दूं, मतलब कि सम तो यही रखा, हमने क्या कर दिया, लास्ट टर्म को पहले लेकर के आ गया, तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी रख दिया, प्लस में ए प्लस में एन माइनस में 2 इंटू में डी रख दिया, ठीक है बच्चा, ध्यान से देखते चलिएगा, और प्लस में ए प्लस में एन माइनस 3 इंटू में आपने डी रख दिया। और इस तरीके से अगर आप डॉट 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 करके देखो तो यहां पर आपके पास मान लो आ गया कितना, ठीक है, ए प्लस में आपके पास 2d, फिर आया आपके पास ए प्लस में आपके पास डी, और फिर आया आपके पास में ए, क्लियर है बच्चों। सेम चीज, मतलब कि वापस से पूरे को पलट करके रख दिया और बोला कि चलो इसका सम निकाल लेते हैं। अब करते हैं इसका सम, तो अगर s में s को ऐड करोगे तो बनेगा 2s, a में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐड करोगे तो बनेगा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, क्या बनेगा बेटा,
टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए अगेन ए प्लस ए बन गया टू ए, इनको ऐड करोगे तो फिर से बनेगा टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। क्लियर बच्चों, और इस तरीके से सबको ऐड करोगे तो लास्ट में भी यही बचेगा टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। क्या बन गया बेटा, सबको ऐड करके इस तरीके से बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये कितने टर्म्स है, ये टोटल आपके पास एन टर्म्स है। ठीक है बच्चों, तो 2s इक्वल टू क्या बना, n इंटू में आपके पास 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। तो बच्चों s की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, s की वैल्यू कितनी आ गई, s इक्वल टू आ गया n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। ये बच्चों हमारे पास निकल करके आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, n टर्म्स का सम फाइंड किया करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है बच्चों, तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक जरूर से कर देना भाई। लाइक करना तो बनता है, आपको इतनी प्यारी इंटरेस्टिंग एकदम जीनियस की स्टोरी मैंने सुनाई है, तो क्लास को लाइक करना तो बनता है भाई, है ना। तो जो भी बच्चे मैथमेटिक्स के मतलब मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, तो आप सभी को करना क्या है, जय, ठीक है, ये जरूर से कर लो, है ना, ये जरूरी है, क्योंकि आशीर्वाद चाहिए भाई, है ना, ब्लेसिंग चाहिए। जब ऐसे मैथमेटिशियन की ब्लेसिंग हम पर होंगी ना, तब हम कुछ बड़ा काम कर पाएंगे, समझ रहे हो बच्चों। तो ब्लेसिंग ले लेनी है यहां से। चलिए बहुत ही बढ़िया, आ जाओ बच्चों। तो ये हमारे पास एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला आ गया, एस इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। अब इसका एक और फॉर्म भी हम बना सकते हैं, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से मैं लिख करके बता सकता हूं, वो क्या है, ध्यान समझना। एस को एस लिखा, एन बाई टू को एन बाई टू लिखा, टू ए को हमने ब्रेक कर दिया ए प्लस में ए के फॉर्म पर, कुछ नहीं किया, टू ए को तोड़ दिया, ए प्लस ए में तोड़ दिया, बाकी का एज इट इज एन माइनस वन इंटू में डी। अगर आप देखिए तो ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है बेटा, यही तो आपका लास्ट टर्म होता है, ये क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। लास्ट टर्म को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं बच्चा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, s इक्वल टू आपके पास n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस में l बन गया, है ना। अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो उसके हेल्प से हम s इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l अप्लाई करके हम सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के n टर्म्स का सम बहुत ही चुटकियों में आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया, आ गया कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ गया, है ना। तो भाई एक बच्चे ने पूरा का पूरा ये हिला करके रख दिया एकदम झटके में, कि भाई इतना दिमाग क्या लगाना, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो। तो अरेंजमेंट उन्होंने ऐसा समझाया कि भाई मजा आ गया। क्लियर बच्चा, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। आपके पास एक सिक्वेंस गिवन है, इसके सम को गिवन है और आपसे बोला है कि इसका सम हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, सम फाइंड करना है। 7 प्लस में 10 रेशियो 1 बाई टू प्लस में 14। तो अगर आप यहां पर देखिए तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसे लिखी हुई है, 7 और 10 रेशियो 1 बाई टू, तो 10 टू जा 20 हो गया हमारे पास, और 21 बाई टू, उसके बाद 14 है और प्लस में डॉट 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 84। पहले तो बेटा, पहले तो आपको चेक करना होगा, पहले तो चेक करो कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, है ना। अगर एपी है तो काम बन जाएगा, फॉर्मूले तो हमारे पास ढेरों हैं। तो आ जाइए बच्चों, तो पहले एपी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकाला आपने कैसे, 21 बाई 2 माइनस में 7 और 14 में से 21 बाई 2 को माइनस किया, दोनों में चेक करो सेम आ रहा है, 7 2 जा 14, तो ये बन गया हमारे पास कितना, 7 बाई 2, 14 2 जा 28, 21 माइनस 21 अगेन 7 बाई 2, ये तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है, मतलब कि सेकंड से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, थर्ड से सेकंड टर्म को माइनस किया, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। ये जरूर से कर लेना, ऐसी गलती मत करना कि अपने आप से लिख करके मान लेना, ठीक है, कर लेना चाहिए, है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म इसका 7 मिल गया और कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया, 7 बाई 2 मिल गया। अब भाई हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम फाइंड करना है, किसका फाइंड करना बच्चा, n टर्म्स का सम। अब लेकिन ये भी तो मालूम हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं,
इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये भी तो मालूम होना जरूरी है। तो अब हम क्या निकालेंगे कि भाई अगर 84 इसका लास्ट टर्म है तो 84 किस प्लेस पर आ रहा है, फर्स्ट कौन से प्लेस पर आ रहा है। तो सपोज करते हैं कि nth प्लेस आपका 84 है ना, nth प्लेस क्या है बेटा आपका 84। तो यहां से अगर आप देखिए तो बनेगा आपके पास a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो 84 इक्वल टू a की वैल्यू बेटा आपके पास 7 है, प्लस में n की वैल्यू आपको निकालनी है और d की वैल्यू आपके पास 7/2 है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो ये बना 4 2 8, मैंने एलसीएम ले लिया, मान लो यहां पर पूरे में एलसीएम ले लो बेटा, ठीक है पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास सपोज करो 84 है, यहां पर 2 एलसीएम ले लिया आपने, क्या ले लिया 2 एलसीएम ले लिया, तो क्या बनेगा 7 2 14 और प्लस में एन माइनस 1 इंटू में 7, मल्टीप्लाई करो 4 2 8 आ गया और 8 2 हमारे पास 16 और यहां से बना 14 प्लस में 7 एन माइनस का 7, तो अगेन यहां पर 7 बच गया और 168 में से 7 माइनस करा इक्वल टू 7n, ठीक है बच्चा सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये निकल करके आ गया हमारे पास 161 इक्वल टू 7n, तो n इक्वल टू 161 अपॉन में 7, तो 7 2 14, ठीक है बच्चों 2 आया 7 3 21, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 23। हमारे पास इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों 23 है, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू आ गई, हमें मालूम है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l के इक्वल होता है ना, क्योंकि लास्ट टर्म हमको गिवन है, लास्ट टर्म हमको गिवन है, तो 84 हम l ले सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या बन गया 23 अपॉन में 2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और 23 आपने यहां पर सॉरी लास्ट टर्म हमारे पास 84 है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 23 अपॉन में 2 इंटू में 84 में 7 ऐड करेंगे तो 91 आएगा, कितना आएगा बेटा 91। चलो मल्टीप्लाई कर लो, तो बेसिकली यहां पर अगर मैं 91 को 23 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 यहां से 3 1 3 9 3 27, बहुत बढ़िया 2 1 2 9 2 18 बन गया 3 7 2 9 8 2 10 12093, कितना आ गया बेटा आ गया हमारे पास 2093 अपॉन में 2, ये हमारे पास आ गया, कितना आंसर आ गया बेटा 2093 अपॉन में 2 हमारे पास आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। तो n टर्म्स का सम बेटा हमको कितना आ गया 2093 अपॉन में 2 निकल के आ गया। आप चाहो तो डेसिमल प्लेस में लिख सकते हो या फिर इतना में भी आंसर लिख सकते हो, क्लियर है बच्चों। तो 2093 अपॉन में 2 हमारे पास आंसर निकल करके आया, क्लियर है, क्लियर है भाई, जल्दी से हो तो लाइक तो कर दो क्लास को, अगर क्लियर है तो क्लास को लाइक जरूर से कर देना बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लास को लाइक जरूर से कर देना बेटा, क्लियर है पक्का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, हमें कितने टर्म्स ले लेने चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कि उस उतने टर्म्स का सम 636 मिल जाए। तो मान लो n टर्म्स को ले लें तो n टर्म्स का सम अगर 636 मिल जाए तो Sn बेटा आपके पास गिवन है, a की वैल्यू आपके पास 9 है और b की वैल्यू अगर आप देखो तो 17 में से 9 माइनस करोगे तो b की सॉरी b बोल रहा हूं d कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 9 में कितना ऐड किया कॉमन डिफरेंस हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है बच्चा। फर्स्ट टर्म क्या है 9 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है, चलिए भाई अब कितने टर्म्स का लेना हमें मालूम है और कुछ तो गिवन नहीं है, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इनटू में d के इक्वल होता है, क्या होता है बेटा Sn इक्वल टू n बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इनटू में d के इक्वल होता है। आ जाइए Sn की वैल्यू 636, n बाई 2 को अपने प्लेस पर रख दिया 2 टाइम्स से तो 9 2 जा कितना बन गया 18 बन गया n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी रख दी 8 रख दी, सॉल्व कर लो बेटा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर देख लेना पहले n बाई 2 अब देखना 18 प्लस में 8n माइनस में आपके पास कितना है 8 आया और ये 636 बन गया, तो 636 इक्वल टू n
18 में से 8 माइनस किया तो कितना बचा 10, तो 10 प्लस में 8 है, अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 5 प्लस में आपके पास 4n, तो ये बन गया 4 टाइम्स n स्क्वायर, क्या बन गया 4 टाइम्स n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था तब तो समझाया था, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख करके बताएंगे। क्या करेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके आप मुझे बताएंगे कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस में 636 क्या निकल के आएगा, आपको बताना होगा। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे। याद रखिएगा n क्या है, n हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो हम सिर्फ वही n को लेंगे जो कि नेचुरल नंबर होगा, और जो n नेचुरल नंबर नहीं होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो n याद रखिएगा, n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको सॉल्व करके लेकर के आना। क्लियर है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइएगा। मैं चेक भी करूंगा कि कितने बच्चे जिन्होंने करेक्ट आंसर लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है बेटा 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 45 है। द सम इज 400, एसएन की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमको एन बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे बेटा, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू बताने की कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ये दो चीजें बेटा हमें यहां पर फाइंड करनी है। ध्यान से देखना, आपको मालूम है कि SN इक्वल टू क्या होता है, N by 2 ब्रैकेट में A plus L, यानी कि पहले तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो जिसमें तो कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई लास्ट टर्म दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस की नीड है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब है SN की वैल्यू मालूम है 400, N हमें मालूम नहीं है, अननोन है। ए हमारे पास 5 और 45 क्या बन गया 50 बन गया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई तो 5 8 जा 40, ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया यहां पर 8 टाइम्स में आ गया, और n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। n इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, n की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। क्लियर है, n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। ओके n इक्वल टू 16 आ गई। अब फाइंड कर लेते हैं हम d, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, हमको दे रखा है कि 16th टर्म हमारे पास 400 है। सॉरी, हमारे पास अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 45, हमारे पास दे रखा है बच्चों कि 6, सॉरी इसको समझिएगा कि 16th टर्म हमारे पास क्या 45 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 16th टर्म क्या बेटा आपका 45 है। तो T16 होता है A प्लस में 15 डी के इक्वल, विच इज इक्वल टू 45। A की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5 प्लस में 15 टाइम्स D इक्वल टू 45, तो बताइए बच्चों कितना आएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो 15 D इक्वल टू ये बन गया 40, और D इक्वल टू 40 अपॉन में 15, 5 से डिवाइड किया तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। तो बेटा कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8/3 आ गया। कंफ्यूज मत होना, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव निगेटिव रैशनल कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। तो डी की वैल्यू बेटा 8/3 निकल करके आ गई। क्या आ गई, डी की वैल्यू 8/3, समझे। दो तरीके से निकाला, पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए। अब लास्ट टर्म अगर 45 है, मतलब कि 16th नंबर के टर्म 45 है, तो ए प्लस में 15 डी इक्वल टू 45 रख दिया यहां पर, तो आंसर निकल के आ गया बच्चों। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो भाई। और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, आप सभी को इस चैनल को बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, और बोर्ड्स की इससे धमाकेदार तैयारी किसी और चैनल में मिली नहीं सकती बच्चों, गारंटी है। चलिए तो जल्दी से नोट कर लीजिए, डी इक्वल टू 8/3 इसका आंसर है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी से बताइए। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन है, If the sum of the first n terms of an AP arithmetic progression के n terms का sum हमारे पास given है बच्चों 4n minus में n square, sn equal to क्या है बेटा, sn equal to है 4n minus में n square।
व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपसे पूछ रहा है कि बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, आपसे बोल रहा है कि एस टू क्या होगा, मतलब कि फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा आपको बताना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए टू यानी कि सेकंड टर्म क्या होगा, ये भी बताना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड एनथ टर्म, बाकी सारी दुनिया भर की चीजें पूछ ली, अब इतना नहीं लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे। मुद्दे पर आते हैं, हमारे पास एन टर्म्स का सम एस एन इक्वल टू फोर एन माइनस में एन स्क्वायर दे रखा, ये दे दिया है, जिंदगी आसान है। क्या बोलेंगे, इतना दे दिया है हमारे लिए जिंदगी आसान है। क्यों, हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एस एन का मतलब क्या होता है, एस एन का मतलब है एन टर्म्स का सम, मतलब कि ए वन प्लस ए टू प्लस में डॉट 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 ए एन, एन टर्म्स का सम यही होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए एस वन का मतलब क्या, तो एस वन मतलब कि पहले टर्म का सम जो कि ए वन रहेगा, एस टू पूछूंगा तो इसका मतलब क्या, पहले और दूसरे टर्म का सम, एस टू का मतलब क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, तो एस वन हो गया फर्स्ट टर्म, एस टू हो गया फर्स्ट टू टर्म का सम, ए वन प्लस में ए टू, यही क्लियर समझ में आया। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एन, सॉरी इस फॉर्मूले में एन इक्वल टू वन पुट करूंगा, तो आएगा एस वन इक्वल टू फर्स्ट टर्म मतलब कि ए के बराबर, क्योंकि एस वन मतलब पहले टर्म, एस टू मतलब फर्स्ट टू टर्म का सम, तो पहले टर्म का सम तो वही वही टर्म ही हुआ ना, तो एस वन इक्वल टू ए आ जाएगा बच्चों। तो एस वन रखा तो यहां पर कितना आया, फोर इंटू में वन माइनस में वन स्क्वायर ए, तो हमारे पास बेटा फर्स्ट टर्म आ गया निकल करके कितना, थ्री आ गया। नोट कर लीजिएगा फर्स्ट टर्म कितना आ गया बेटा, फर्स्ट टर्म हमको थ्री निकल करके आ गया, क्लियर है पक्का से, फर्स्ट टर्म हमको थ्री निकल करके आ गया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताइए समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म थ्री निकल करके आ गया। आगे पर बात करते हैं, अब बात करेंगे अगर मैं एस टू निकालता हूं यानी कि फर्स्ट टू टर्म का सम यानी कि ए वन प्लस में ए टू, तो एस टू क्या निकलेगा, देखो एन के प्लेस पर टू पुट करोगे तो क्या बनेगा, फोर इंटू में टू माइनस में टू का स्क्वायर, यही बनेगा, तो कितना बनेगा, फोर टू जा एट माइनस में टू स्क्वायर फोर, तो एस टू, एस टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बेटा, फोर आएगी, और एस टू है क्या, एस टू है ए प्लस में ए टू के, ए वन प्लस में ए टू, ए वन फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, थ्री है बेटा, तो एस टू फोर आ गया, ए वन की वैल्यू थ्री, ए टू निकाल लो, तो ए टू इक्वल टू आएगा फोर माइनस में थ्री, कितना आ गया, ए टू इक्वल टू वन निकल करके आ गया, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, हमारे पास वन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट टर्म हमारे पास वन आ गया, फर्स्ट टर्म कितना था, थ्री था, तो कॉमन डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या बोलोगे, वन में से आपने थ्री को माइनस कर दिया तो कॉमन डिफरेंस माइनस में टू होगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, माइनस में टू। अब आपसे कोई भी टर्म पूछ ले, ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है व्हाट इज द थर्ड टर्म, तो टी थ्री पूछ लिया, तो टी थ्री मतलब कि ए प्लस में टू डी, ए की वैल्यू थ्री और टू इंटू में डी की वैल्यू माइनस में टू, तो माइनस में वन आ गया, कितना आ गया बेटा, माइनस में वन। उसके बाद टेंथ टर्म पूछ लिया, तो टी टेन इक्वल टू क्या लिखोगे, ए प्लस में नाइन टाइम्स डी, तो ए की वैल्यू थ्री है और नाइन इंटू में डी की वैल्यू माइनस टू, तो कितना बना, थ्री इंटू में नाइन टू जा माइनस में एटीन, तो कितना बन गया बच्चों, माइनस में फिफ्टीन बन गया। और एनथ टर्म पूछ लेगा तो क्या लिखोगे बेटा, टी एन लिखोगे, आपके पास ए की वैल्यू थ्री, एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू माइनस में टू, तो ये बना हमारे पास थ्री और माइनस में टू एन प्लस में टू, तो ये बन गया फाइव माइनस का टू एन, ये हमारे पास एनथ टर्म निकल करके आ गया। क्या आ गया बेटा, एनथ टर्म निकल के आया फाइव माइनस में टू एन, क्या आया, एनथ टर्म फाइव माइनस में 2n निकल करके आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट यहां पर आपको निकल करके आते, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। अगर समझ में आ गया बच्चों तो ये हमने निकाल लिया कैसे हम sn का फॉर्म गिवन होने पर आपका nth टर्म निकाल लें, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, पूरी ap को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड बच्चों। तो ये थी बेसिकली आज की हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए।
समझ में आ गया बच्चों? तो बढ़िया तरीके से यही कॉन्सेप्ट है, इनको सभी जगह अप्लाई करते जाइए, आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो अब मैं क्लास को यहीं पर फिनिश करूंगा और आपको बता देता हूं, यानी कि जो अगली क्लास होगी उसमें मैं लूंगा आपका नॉलेज टेस्ट, जिसमें होंगे ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू और बढ़िया बढ़िया तरीके के क्वेश्चन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो जो अगला लेक्चर होगा वो होगा आपके नॉलेज टेस्ट पर बेस्ड। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच बच्चों।